हेलो गाइस वेलकम टू होम अ न्यू वे टू लर्न आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम विधि से एच हल करना यानी कि महत्तम समापर तक निकालना तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसे एल्गोरिथम की मदद से हम करते हैं एच सी एफ वाले क्वेश्चन को हल डू वॉच द कम्प्लीट वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम आर चैनल थैंक यू सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑन आवर स्क्रीन विच इज यदि संख्या फोर जीरो एट तथा वन जीरो थ्री टू चार सौ आठ तथा एक हजार बत्तीस के मींस मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर को वन जीरो थ्री टू एक्स माइनस फोर जीरो एट इंटू फाइव वन थाउजेंड थर्टी टू एक्स माइनस फोर हंड्रेड एट इंटू फाइव के रूप में व्यक्त किया जाता है तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन क्या कहता है दो संख्याएं हैं चार सौ आठ तथा तो एक हजार बत्तीस जिसका एच सी एफ हमें निकालना है और उसे रखना है एक हजार बत्तीस एक्स माइनस चार सौ आठ इंटू पांच के फॉर्म में और हमें एक्स का मान निकालना है क्वेश्चन को दो टुकड़ों में हल किया जाएगा प्रथम चरण में हम निकालेंगे चार सौ आठ और एक हजार बत्तीस का एच सी एफ और दूसरे चरण में हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू एच सी एफ का मान रखने पर एज वी ऑलरेडी नो एच कैसे निकालते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम क्रॉस करके आ चुके हैं यहाँ पे हम रखेंगे दोनों अंकों को बड़ा अंक है एक साइन आ जाएगा ग्रेटर का 408 सौ यहाँ से हम शुरू करेंगे डिवीजन प्रोसेस को ठीक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें पता है क्या होती है वेयर a बराबर बी क्यू प्लस जीरो होता है एक आ जाएगा यहाँ पे बीच में इसे हम डिवाइड किससे करेंगे 408 से करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारा शुरू होता है 408 को डिवाइड करना है एक हजार बत्तीस में ये कितनी बार जाएगा दो बार जाएगा तो क्वेश्चन दो एंड हमारे पास जो अंदर आता है वो है आठ सोलह अब यहाँ पे रिमाइंडर बचता है दो सोलह तो स्टेप वन में हमें क्या मिल गया स्टेप वन हमारे पास आ चुका है नोट कर लेते हैं स्टेप वन को इसे ऐसे चरणबद्ध तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तो सबसे पहले लिखते हैं ए का मान ए कितना है एक हजार बत्तीस है बराबर बी क्यू बी कितना है चार सौ आठ है क्यू कितना है दो है प्लस आर आर कितना आया दो सौ सोलह ये था इस प्रक्रिया का पहला चरण यानी कि स्टेप वन अब 216 में हम देंगे 408 को डिवाइड करने के लिए तो 408 आ जाएगा अंदर की तरफ डिवाइड स्टार्ट करते हैं ये कितनी बार जाएगा एक बार 216 आएगा यहाँ पे और रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 192, नाइनटी टू विच इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द सीरीज डिविजन प्रोसेस की है तो यहाँ पे आ चुका है स्टेप टू अब किसके लिए हमने किया था ए ए कितना है चार है बी क्यू बी क्यू कितना हो जाएगा 216 सौ सोलह इंटू एक प्लस आर यानी कि 192. इसे हमें कब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर शून्य ना बचे 192 डिवीजन के लिए नंबर आएगा 216. कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा यहाँ पे उतारा हमने एक सौ बचेगा कितना चौबीस बचेगा रिमाइंडर आया चौबीस विच इज स्टेप थ्री यहाँ पे नोट कर लेते हैं स्टेप तीन को स्टेप तीन में हमारे पास ए दो सो सोलह है दो सो सोलह बराबर क्या होगा बी इंटू क्यू यानी कि वन नाइनटी टू इंटू वन प्लस रिमाइंडर इज ट्वेंटी फोर यहाँ पे आ गया रिमाइंडर चौबीस अभी भी हमारे पास रिमाइंडर uh, जीरो नहीं आया है इसीलिए प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना होगा चौबीस से हम करेंगे वन नाइनटी टू को डिवाइड ये कितनी बार जाएगा आठ बार जाएगा पूरा पूरा यहाँ पर उतार दिया हमने वन नाइन्टी टू एंड हि गेट रिमाइंडर जीरो लास्ट स्टेप ऑफ द सीरीज तो स्टेप फोर में हमने क्या लिखना है एक सौ बारानवे बराबर चौबीस इंटू आठ प्लस जीरो यानी कि बी इंटू क्यू प्लस आर हो जाएगा चौबीस इंटू आठ प्लस जीरो एंड चूंकि इस प्रोसेस में हमें लास्ट स्टेप मिल चुका है और लास्ट स्टेप का जो भाजक होता है यानी कि जो बी होता है ना वही हमारा महत्तम समापरता क्या होता है तो इस पूरे पेयर के लिए हमें महत्तम समापनता क्या मिला था चौबीस मिला था ये हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे सो so, एंड में हम यहाँ पे स्टेप वन में मेंशन में कर देंगे क्योंकि हमें शेषफल जीरो मिल चुका है अतः विभाजन प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी चूंकि अंतिम चरण में भाजक uh, 24 है अतः एक हजार बत्तीस चार सौ आठ का एच सी एफ ट्वेंटी फोर होगा दिस वॉज ऑल फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स सम ऑफ देम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम कैन राइट डाउन बिकॉज हियर वी गेट जीरो सो द एच सी एफ ऑफ दीरिजी ट्वेंटी फोर्थ आप अब, अब देखिए स्टेप टू है स्टेप टू में हमसे पूछा गया है कि इसका जो मान है वो हमें किसके लिए रखना है एक हजार बत्तीस एक्स माइनस चार सौ आठ इंटू पांच के रूप में रखना है ठीक है यहां से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया कि एच सी एफ के बराबर में ये हमको लिखना है एच सी एफ कितना है चौबीस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे चौबीस बराबर वो जो इक्वेशन हमें दी गई थी वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं क्या है एक हजार बत्तीस एक्स माइनस चार सौ आठ चार सौ आठ इंटू पांच ये हमें कहा गया है इसके रूप में इसको व्यक्त करना है और यहाँ से हमें क्या निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे एक हजार बत्तीस जो x वाला जो नंबर है ना इसे हम ले आते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे और चौबीस को हम ले जाते हैं राइट हैंड हैं साइड पे एक हजार बत्तीस को हमने यहां जब ट्रांसफॉर्म कर दिया वन जीरो थ्री टू एक्स अब देखिए वहां पे हमारे पास क्या है चार सौ आठ है और चौबीस जाएगा माइनस का माइनस ट्वेंटी फोर एंड माइनस फोर जीरो एट माइनस ट्वेंटी फोर माइनस फोर जीरो एट इंटू फाइव अब चार सौ आठ को हम करेंगे पांच से मल्टीप्लाई तो कितना आंसर आएगा दो हजार चालीस माइनस का दो हजार चालीस तो यह हमने उतारा माइनस का चौबीस माइनस का दो हजार चालीस इसके बराबर है एक हजार बत्तीस एक्स के बराबर है अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों को प्लस कर लो बीस चौसठ है यहां पे हमारे पास ये नंबर भी माइनस में है एक हजार बत्तीस जब ट्रांसपोर्ट हुआ तो वो माइनस का यहां पे आएगा माइनस हमारे पास दोनों तरफ है ये भी माइनस का है और दो हजार चौसठ जो है वो भी माइनस का है तो एक हजार बत्तीस के लिए एक्स का मान निकाल लेते हैं एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा दो हजार चौसठन एक हजार बत्तीस माइनस का है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास ये जाएगा इससे दो बार पूरा पूरा डिवाइड हुआ दो बार तो एक्स का मान कितना निकल के आ गया दो बार अब इस क्वेश्चन में हमसे दो बार दो तरह से स्टेप करे गए थे क्वेश्चन क्या कि पहले एचसीएफ निकालना था एच कितना आया चौबीस आया और उसके बाद उस एच सी एफ में एक हमें क्वेश्चन फॉर्म दिया था उसके लिए एक्स का मान निकालना था तो एक्स का मान कितना आया है दो आया है इसी तरह से हमें सारे एच सी एफ निकालने होते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विथ होम ट्यूट्स